ओके सो है गाइस, तो आज की स्पीड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप लोग अपने वीडियोस का बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो। हाँ गाइस, आप जो है अपने वीडियोस का बैकग्राउंड अच्छे तरीके से ब्लर कर सकते हो, बिल्कुल प्रोफेशनल DSLR के जैसा। आपको भी इधर एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हो ये जो वीडियोस है, यहाँ पे जो है आप लोग देख पा रहे हो इसका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ब्लर हो चुका है। और ये जो आपको अभी जो वीडियोस दिख रहा है, ये वाला भी देख लो एक वीडियोस, ये जो वीडियोस भी नॉर्मल वीडियोस था, तो इसी वीडियोस का जो बैकग्राउंड है मैंने ब्लर किया है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया। तो अगर आप लोगों को भी सीखना है कि आप किसी भी वीडियोस का ब्लर बैकग्राउंड कैसे कर सकते हो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, तो वीडियो को पूरा देख देना। वीडियो पसंद हो तो कर देना लाइक, नहीं हो तो कर लो सब्सक्राइब, साथ में घंटी को दबा के वो पे सेलेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके के अच्छे अच्छे एडिटिंग वाले वीडियोस आते रहते हैं। सो गाइस बता दो, इस तरीके का वीडियोस जो है मतलब सॉरी बैकग्राउंड जो है वीडियोस का ब्लर करना चाहते हो तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वो जो ऐप है उसके बारे में मैं पूरे मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप समझ जाओगे। तो ये जो ऐप है इसका डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सीधा जाकर डाउनलोड कर लो। जितने भी मटेरियल या फिर ऐप वगैरह यूज होंगे सारे का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सिंपल सा भी अपने मोबाइल का होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो गाइस आपको जो ऐप यूज करना होगा वो करना होगा कैपकट, ठीक है। ये रहा वो ऐप, आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले के ऊपर, यहाँ पे दिख लीजिए ये वाला ऐप है। तो आपको इस ऐप को नया वर्जन का डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो उसको आपको डिलीट कर देना है। आपको नया वर्जन में 3.3.0 वाला अपडेट चाहिए, तो ये जो ऐप है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीधा जाके सेम यही वाला ऐप डाउनलोड कर सकती हो बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको एक VPN की जरूरत पड़ेगा, कोई सभी VPN ले सकते हो। तो मेरे पास एक VPN पड़ा हुआ है जिस VPN का नाम है क्विक VPN, ठीक है। तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं भाई कौन सा VPN यूज़ करते हो, तो VPN आप कोई सभी यूज कर सकते हो इस ऐप को चलाने के लिए। सबसे पहले हम अपना इंटरनेट यहाँ से जो है चालू कर लेते हैं, अपना जो है मोबाइल डेटा मैंने चालू करके रख दिया है। उसके बाद क्विक VPN पे जाएंगे और यहाँ पे हम सिंगापुर का सर्वर लगा के उसके बाद यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए कनेक्टेड टू सिंगापुर VPN मेरा जो कनेक्ट है वो हो चुका है। उसके बाद करेंगे क्या, हम इस ऐप को सिंपल सा कर देंगे अभी ओपन। तो मैं इस ऐप को सिंपल सा ओपन कर देता हूँ। इस तरीके से जो है मेरा ऐप है ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या होगा, मैं इसके अंदर अभी जो है पार्ट रेडी कर रहा था, तो आपको सिंपल सा यही वाला प्रोसेस दिखेगा, न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना प्लस पे, और यहाँ से आपको उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जिस वीडियो को आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है। तो मैं इस वीडियो को ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ऐड वाला दिख रहा है ना, ये वाला, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। ऐड वाले पे टैप कर दोगे तो ये जो कुछ इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आपको साउंड वगैरह कुछ नहीं बंद करना है, सिंपल से रहने देना, साउंड आपको चाहिए ही। उसके बाद आपको करना क्या है, इतना कर लेने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे देखिए इफेक्ट का बटन दिख रहा है ये वाला, इसके ऊपर आपको टैप करना है और यहाँ पे ट्रेंडिंग पे ही रखना है। देखिए यहाँ पे बेसिक मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है ट्रेंडिंग पे इसको सेट करना है और आपको नीचे जाना है, और नीचे जाओगे तो आपको एक ब्लर का सिंबल दिखता है, दिखाता हूँ इफेक्ट, आपको उस इफेक्ट को यहाँ पे यूज करना है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये ब्लर वाला, इसके ऊपर आपको सिंपल सा टाइप कर देना है, ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको इसको डन करना है, और अब इसका जो लेंथ है ये पूरे वीडियो तक देना है जहाँ तक ब्लर करना चाहते हो। तो मैं पूरा वीडियो इसको ब्लर करना चाह रहा था इसलिए यहाँ पे ले दिया हूँ। और लास्ट में एक ब्लैक पार्ट दिखेगा, इसके ऊपर टैप करना, वाटर मार्क दिख जाएगा इस ऐप का, तो इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इसको डिलीट कर देंगे, अब उसके बाद यहाँ से एक बार इसको बैक कर देंगे। इतना कर लेने के बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, इसे जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग क्या होगा, तो अभी देख पा रहे वीडियोस पूरा ब्लर दिख रहा होगा। ये देखिए ये वीडियो से भी पूरा ब्लर दिख रहा है, कोई भी पार्ट इसमें नहीं दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग पे जाना होगा। फिर आपको ये दिख जाएगा ओवरले, इस पर आपको टैप करना और यहाँ पे ऐड ओवरले भी क्लिक करना, और फिर इसी वीडियो को सेलेक्ट करना जिस वीडियो को भी आपने सेलेक्ट किया था फर्स्ट में, उसी को सेलेक्ट करके यहाँ से आपको ऐड करना है। तो इस तरीके से आएगा। फिर आपको करना क्या है, इसका जो सर्कल है ना, दोनों फिंगर से इसको खींच के फुल स्क्रीन पर सेट करना होगा सेम जैसे था, ठीक है। इसको बिल्कुल डिस्प्ले के बराबर पे इस तरीके से इसको सेट कर देते हैं हम, तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे बटन दिख रहे होंगे ये वाला, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस बार इन सारे बटन को स्क्रॉल करोगे इधर के साइड, तो देखिए ये दिखाता हूँ, मेरा माउस जो है काफ़ी स्लिप कर रहा है। इधर करोगे ऐसे तो देखिए यहाँ पे दिख जाएगा रिमूव बैकग्राउंड, इसके ऊपर टैप कर देना। तो यहाँ पे देखिए इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल रिमूव हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से रिमूव हो गया है। तो अभी अगर इस पर मैं फिर से एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए वीडियोस का बैकग्राउंड पूरा दिख रहा है, और देखिए जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे वीडियोस का बैकग्राउंड ब्लर और यहाँ पे हो गया है सारा कुछ। तो एक बार वीडियो को प्ले कर देता हूँ, देख लो। तो ये देखिए वीडियोस बिल्कुल अच्छे तरीके से बिना किसी परेशानी के देख पा रहे, कितना मस्त तरीके से ब्लर हो चुका है, पूरा के पूरा पीछे का आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कर लिया है। तो गाइस देखा आप लोगों ने कितने आसान तरीके से मैंने इसको ब्लर कर दिया। अब इसको करेंगे क्या, बैक कर देंगे, और यहाँ पे सिंपल सा अब इसको बारी है अपने फ़ोन के अंदर सेव करने के लिए। तो यहाँ पे इस वाले टिक पे क्लिक करो और यहाँ पे ये 720 कर लो या फिर 1080p करके 30 पे रख के इसको एक्सपोर्ट कर लो। तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और इस ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।